नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 20 खबरें। इंडिया से टेंशन के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आएंगे। गुरुवार को है एक दिन के दौरे पर है और इस दौरान उनकी भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात होगी। तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगलवार को देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को तीसरा डोज मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तेलंगाना के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने करीमनगर जिले के वेमुलवाड़ा में श्री राज राजेश्वर स्वामी देवस्थानम में पूजा की। हरियाणा के नीलखेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने रोड शो किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर क्रू मेंबर एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं, जिसके चलते मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई है। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर की गोपनीयता भंग होने के कारण आज दोबारा वोटिंग हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप आज सुबह 4:55 पर आया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अवैध रूप से वर्गीकृत दस्तावेज रखने के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा मुकदमे को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में हैदराबाद में एक रोड शो के दौरान जनता को संबोधित किया। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगी। आप नेता सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस मामले पर कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी सीबीआई को नोटिस भेजा था। भारतीय चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तीसरे चरण की वोटिंग में 11:40 बजे तक लगभग 46.40 मतदान दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा वोटिंग आसाम में दर्ज हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अब उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है और उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को भी वापस लिया। अरब देशों से लेकर अमेरिका तक की चेतावनियों को दरकिनार कर इसराइल ने राफा पर हमला करना शुरू कर दिया। राफा क्रॉसिंग गाजा नागरिकों को बाहरी दुनिया से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। कांग्रेस के साथ साथ तीन निर्दलीय विधायकों के हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को दुनिया भर वापस मंगाया जाएगा, कंपनी ने फैसला लिया है। इसके लिए उसने वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का तर्क नहीं दिया है, बल्कि मार्केट में आई अपडेट वैक्सीन का हवाला दिया। महाराष्ट्र के धाराशिव में एक पोलिंग बूथ के बाहर हत्या की खबर सामने आई है। पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीतना चाहती है, ताकि वे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर की ओर से लिखे गए संविधान को बदल सके। रायगढ़ में वोटिंग करते वक्त वीडियो बनाकर उसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के आरोप में पुलिस ने युवक पर गैर संज्ञेय मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव इस बार और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब मुंबई की उत्तर मध्य सीट से एक्टर एजाज खान ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ ही कारोबार की शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा गिरकर खुला है और आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे ही टॉप 20 खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। धन्यवाद।